टारगेट विदालोक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं पंडित अमरेश भट्ट आप सभी सम्मानित छात्र छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए, ये जो पीरियड चल रहा है, ये जो समय चल रहा है, ये कोरोना का समय है और इस समय में हम लोग पूरी हमारी टारगेट विदालोक का ऑनलाइन इंस्टीट्यूट ये तत्पर है आप लोगों को कुछ न कुछ मिलता रहे, कुछ न कुछ ऐसा प्रयास है कि आप लोगों को ये इसमें आपकी पढ़ाई अनवरत थोड़े ही बहुत रूप में लेकिन जारी रहे। तो इसलिए हम लोगों ने ऐसा प्रयास में हम लोगों ने प्रयास किया है तो ताकि उस प्रयास को आप लोग लाभ उठा सकें, उस प्रयास का लाभ उठा सकें और आपकी पढ़ाई भी चलती भी रहे, ब्रेक भी रहे और चलती भी रहे, दोनों भी है कंटिन्यू, चूंकि प्रॉपर क्लास तो मिल नहीं पा रही है तो इसलिए ये आपको चलती भी रहे, ऐसा इसलिए हम लोगों ने किया है। इसमें हम टेस्ट श्रृंखला को लेकर के आए हैं और आज मैं 30 प्रश्नों की श्रृंखला को लिया हूँ और इसमें आपको इस 30 प्रश्नों के उत्तर फटाफट देना है, समय नहीं किल करना है तो आप लोग इसके उत्तर को देते भी जाएंगे, ठीक है। तो आइए चलें बिना समय को गंवाए हुए, बिना समय को जाया किए हुए हम अपने प्रश्नोत्तर की श्रृंखला पर आते हैं और पहला प्रश्न आपके सामने यह उपस्थित है, यानी ये आपके सामने है। पहला ही क्वेश्चन कहते हैं कि स्थित को संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई, ऐसा कहते हैं तो संविधान में किस तिथि को किया गया, संविधान में 14 सितंबर 1949 को हिंदी को क्या किया गया, राजभाषा घोषित किया गया। इसलिए यानी हिंदी को 14 सितंबर 1949 को जो राजभाषा घोषित किया गया, इसलिए प्रत्येक 14 सितंबर को हम क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं। आपसे ये पूछा जाता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो आप ये कहेंगे कि 14 सितंबर को, प्रत्येक 14 सितंबर को हम क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 2 आपको यहां पर पूछा गया है हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है। आपको बताना है कि हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ही प्रभावी क्वेश्चन है और इतने में 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं और इसका उत्तर आपको देना है। तो अमूमन लोगों के हो सकता है कि 11 उत्तर आए जो क्या है, गलत है, कुछ लोग 13 भी दे सकते हैं जो गलत है। इसका उत्तर कितना होगा, 4 होगा। देखिए यहां पूछा गया है मूल स्वर पूछा गया है तो मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, हमेशा ये ध्यान रखिएगा। इसमें शामिल किए जाते हैं अ को, छोटी ई को, छोटा उ को और री को, इन 4 स्वरों को हम मूल स्वर के नाम से भी जानते हैं। तो ये 4 स्वर हमारे क्या हो गए, मूल, और यही मूल स्वरों की संख्या पूछा गया है, अतः इसके उत्तर क्या हो जाते हैं, सी हो जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। 3 नंबर का उत्तर क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन संधि के भेद नहीं है। मैं हमेशा आपको बताता रहता हूं जब भी नहीं आता है तो इसको एक बॉक्स में बंद कर दीजिए और आप इसको बताइए। 4 विकल्प हैं, हल संधि और संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि, पूछे हैं कौन संधि का भेद नहीं है, आपको बताना है। तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग इसमें स्वर संधि विसर्ग संधि तो जानते हैं, हल संधि को लगावें, लेकिन गलत है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्यों,
संधि का भेद जो होता है, जो संधि है, संधि का भेद संधि नहीं है, संधि के आपके तीन भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि होते हैं, विसर्ग संधि होते हैं और व्यंजन संधि होते हैं। ठीक है, ये तीन भेद होते हैं। तो व्यंजन संधि को ही हम हल संधि के नाम से भी जानते हैं, हल संधि के नाम से भी जानते हैं। यहां पे हलंत लग जाएगा, लेकिन संधि भेद नहीं है। ठीक है, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएंगे? बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम रुख करते हैं, क्वेश्चन नंबर चार। क्वेश्चन नंबर चार क्या कहते हैं? चार नंबर प्रश्न कहते हैं, राकेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? यानी राकेश शब्द है और इसमें आपको पूछा गया इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो आप ये जानते हैं, राका धन ईश मिलकर के क्या होता है? राकेश होता है। और ये यही इसका क्या होता है? सही संधि विच्छेद होता है। यानी राका धन ईश क्या होते हैं? राकेश का निर्माण करते हैं। अगले पर हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर पांच पर। पांच नंबर का उत्तर आपको जानना है। पांच नंबर के उत्तर कह रहे हैं, धर्माधर्म में कौन सा समास है? आपको इसमें बताना है कि धर्माधर्म में कौन सा समास है। कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है, इतरेतर द्वंद्व समास है और बहुव्रीहि समास है। ठीक है, ये द्वंद्व होता है, द्वंद्व नहीं होता है। तो आपको इसमें बताना है कि धर्माधर्म में, तो धर्माधर्म में इतरेतर द्वंद्व समास होते हैं। कौन से? द्वंद्व समास का ही एक भेद होता है इतरेतर द्वंद्व समास। तो जब कभी भी ऐसा आता है कि जहां पर योजक चिन्ह हटा दिए जाते हैं और योजक चिन्ह हटा करके दो प्रधान पदों को एक कर दिया जाता है, तो वहां पर क्या हो जाते हैं? इतरेतर द्वंद्व समास हो जाते हैं। तो आपको ये पता है कि द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। और दोनों पद प्रधानता में ऐसा होता है कि हम योजक चिन्हों को हटा करके भी बहुत सारे शब्दावलियों को लिखते हैं। तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? धर्माधर्म का मतलब होता है धर्म और अधर्म, धर्म और अधर्म। तो इसमें और शब्द क्या है छिपे हुए हैं, मैं ये भी आपको बताता रहता हूं कि द्वंद्व समास में और छिपे, तो यहां पर क्या है? और शब्द छिपा हुआ है। इसलिए यहां पर आपके कौन से समास हो जाएंगे? द्वंद्व में इतरेतर द्वंद्व हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न क्या कहते हैं? क्वेश्चंस नंबर छः। क्वेश्चन नंबर छः कहते हैं, कालिंदी किसकी पर्यायवाची है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। कालिंदी किसकी पर्यायवाची है? तो आप जानते हैं, कालिंदी के तीर यानी यमुना जी का एक नाम होता है, कालिंदी नाम होता है। तो यह जो है यह यमुना की पर्यायवाची होती है। चलिए अगले हम देखते हैं, अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चंस नंबर सात। सात नंबर कहते हैं, वे पथ को किस अनुभाव के अंतर्गत रखा जाता है? वे पथ को किस अनुभाव के अंतर्गत रखा जाता है? यानी वे पथ है यह एक क्या है? कायिक भाव है या वाचिक है या हार है या सात्विक है? तो यह एक सात्विक अनुभव है। और सात्विक अनुभव कितने प्रकार के होते हैं? आठ प्रकार के होते हैं। इन्हीं आठ प्रकारों में जो आपके आंसू होते हैं, रोमांच होते हैं, प्रलय होते हैं, कंपन होते हैं, कंपन होते हैं, स्वरभंग होता है, स्वेद होता है, स्वरभंग स्वेद, अस्तंभ होता है और आपका वैवर्ण होता है। ठीक है, तो इसी में आपको
जो आपको विपत हुए, यानी कंपन जो होता है जिसको हम कंप कहते हैं, स्वरभंग, स्वेद, स्तंभ और वैवर्ण। तो स्वरभंग आवाज का टूट जाना ही स्वरभंग होता है, स्वेद मतलब होता है पसीना, स्तंभ मतलब होता है ये स्थिर गति का रुक जाना ही क्या होता है, स्तंभ होता है। तो इसी को हम क्या, इसी के अंतर्गत शामिल करते हैं, यानी विपत को शामिल कर लेते हैं। तो ये सात्विक का ही क्या होता है, भेद हो जाता है। चलिए अगले पर हम आते हैं, क्वेश्चंस नंबर 8 पर आते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन कहते हैं, छंद शास्त्र को अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो छंद शास्त्र को अन्य किन नामों से जाना जाता है, यानी छंद शास्त्र का अन्य नाम क्या है? पिंगल शास्त्र है कि डिंगल शास्त्र की, अग्नि पुराण की, व्यंजन शास्त्र? तो आप जानते हैं चूंकि छंद शास्त्र के प्रणेता पिंगल ऋषि थे, इसलिए जो है छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न क्या कहते हैं, प्रश्न नंबर 9। 9 नंबर कहते हैं, कौन अनुप्रास अलंकार का भेद नहीं है? आपको ये बताना है कि अनुप्रास अलंकार का भेद नहीं है। तो पहली चीज हम जानेंगे कि अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं। तो अनुप्रास अलंकार है, इसके जो भेद हैं वो कौन कौन से भेद होते हैं, इसको हमको जानना होता है। ठीक है, चलिए अनुप्रास, इसका जो एक भेद होता है, छे का अनुप्रास होता है, छे का अनुप्रास, ठीक है, वृत्ति अनुप्रास होता है, अंत्य अनुप्रास होता है, श्रुत्य अनुप्रास होता है, चार हो गए, और एक लाट अनुप्रास होता है जिसे लाटानुप्रास कहते हैं। यही आपके क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4 और ये 5, यही आपके क्या, 5 भेद होते हैं। तो इसमें 6 का अनुप्रास तो है ही, वृत्यानुप्रास भी है, लाटानुप्रास है, कौन सांतानुप्रास नहीं होता है, यानी इसका उत्तर क्या हो जाता है, ए सही हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न कहते हैं, जो बहुत अधिक बोलता है उसे कहते हैं, यानी जो बहुत अधिक बोलता है उसे क्या कहा जाता है? तो मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवम्। मूकं करोति वाचालं, मूक जो गूंगा है वो भी क्या होता है, वाचाल होता है, बहुत अधिक बोलने लगता है यदि ईश्वर की कृपा हो जाए। तो जो बहुत अधिक बोलता है उसे हम क्या कहते हैं, वाचाल कहते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस पे हम चलते हैं। क्वेश्चंस नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहते हैं, हरा भरा मैदान के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो जहां पर हरा भरा मैदान हो, हरियाली छाई हो जिस मैदान में, उसको हम क्या कहते हैं? आप कोई सदाबहार बोलेगा, तो कोई ग्रीन पार्क बोलेगा, कोई हरियाली बोल सकता है, तो कोई शादबल बोल सकता है। सही क्या होगा, जो हरा भरा जब मैदान होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, शादबल बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम क्या करते हैं, रुख करते हैं, यानी क्वेश्चंस नंबर 12। 12 नंबर कहते हैं, उच्चारण में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? अच्छा, उच्चारण में उपसर्ग की बात कहते हैं, तो हमेशा उपसर्ग और प्रत्यय दो होते हैं। उपसर्गों की जब भी बात हो, उपसर्ग और क्या होते हैं, प्रत्यय होते हैं। ठीक है,
तो उपसर्गों की जब बात होती है तो ये उपसर्ग किसी भी मूल शब्द के, कोई भी मूल शब्द है, इस मूल शब्द के पहले लगाया जाता है, ठीक है। और प्रत्यय क्या होते हैं, जो मूल शब्द होता है इसके बाद में लगाए जाते हैं। तो उच्चारण में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो आप संधि भी करते हैं, उत धन चारण क्या कहते हैं, उच्चारण कहते हैं। ये व्यंजन संधि का एक नियम होता है, उसके अंतर्गत भी आते हैं। तो यहाँ उत उपसर्ग लगा हुआ है, अतः ये क्या हो जाएंगे, उत उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कहीं कहीं यही उत उपसर्ग उद में परिवर्तित होता है, उद नाम का कोई उपसर्ग नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर कहते हैं, तिक्त शब्द का तद्भव होगा। तिक्त, तिक्त मतलब तीता, कहते हैं बड़ा तिक्त है, यानी बहुत तीता है। तो तिक्त का तद्भव क्या होता है, तीता होता है, यह तद्भव रूप है। स्रोत के आधार पर शब्दों का जब विभाजन हुआ तो चार प्रकार के शब्द निकल कर आए, इसी में तत्सम शब्द आता है, तद्भव शब्द आता है, देशज शब्द आता है और विदेशज शब्द आता है। ये चार प्रकार के हमारे शब्द आते हैं। उसके बाद संकर शब्द और अर्धतत्सम शब्द, जो गौण शब्द माने जाते हैं, जो इसी के पार्ट हैं, इसलिए उनको मुख्यतः शामिल नहीं किया जाता है। तो तिक्त का क्या होता है, तीता, तद्भव होता है, और तीखा का तत्सम क्या होता है, तीक्ष्ण होता है, ठीक है। तो तिक्त का तीता तद्भव इसका हो जाएगा, अतः उत्तर कौन सा सही होगा, बी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर हम बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर का उत्तर, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, आपको बताना है इसमें से, यानी कौन सी सही वर्तनी है। बहुत सारी किताबों में इसमें गलत दिया हुआ है, और मुझे लगता है कि डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद, एक प्रमाणिक बुक मानी जाती है, उसमें भी इस शब्द की गलतियां हैं, तो उसमें भी ये गलत दिया हुआ है। तो आप जो है, अभी तक अगर वासुदेव नंदन प्रसाद में ये दिया है लेकिन ये गलत है, ज्योत्सना ये भी गलत है, ज्योत्सना ये भी गलत है, तो क्या होता है, ज्योत्सना होता है, ठीक है। यही आपके क्या हैं, शुद्ध शब्द हैं, और इसी को आपको लगाना है, ये आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर, आप इसका प्रयोग पाएंगे, जो भारत का राष्ट्रीय गीत है, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, शुभ्र ज्योत्सना, वहां पर आप पाएंगे, शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी फुल्ल कुष्मित द्रुमदल शोभिनी सुहाषिणी शुभदुम राशिम सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम, वहां पर भी इस शब्द का आप प्रयोग पाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न होता है, मैला आंचल के लेखक हैं, कभी कभी भूले भटके शिविर में ऐसा एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसलिए आ गए हैं यहाँ पर भी, मैला आंचल के लेखक कौन है, तो मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु की यह रचना है, इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर कहता है, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। प्रधानता के आधार पर जब भी आप देखते हैं तो आपको मैंने, या आप जानते भी होंगे कि प्रधानता के आधार पर दो पद होते हैं, दोनों पदों में एक पद प्रधान एक पद अप्रधान यानी गौण होता है। तो ये कह रहे हैं कि प्रधानता के आधार पर दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी किस समास में, तो इसके पहले भी अभी मैं बता रहा था, तो वहां पर द्वंद्व समास में मैंने बताया था कि दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, जबकि अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, कर्मधारय समास में भी उत्तर पद, द्विग समास में भी उत्तर पद प्रधान होता है,
द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, बहुव्रीही समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, बल्कि एक तीसरा पद प्रधान होता है, तो उसे हम बहुव्रीही समास कहते हैं। अतः यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा आपका, द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है, और ये सही हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। 17 नंबर का उत्तर कहता है, नाटक को पंचम वेद मानने वाले हैं, यानी नाटक को पंचम वेद किसने माना है, तो आपको पंचम वेद जो है ये भरत मुनि ने स्वयं कहा है अपने नाट्य शास्त्र में कि इसको पंचम वेद माना जाना चाहिए, क्योंकि चारों वेदों से कुछ न कुछ ले करके इसको इन्होंने रचना किया है, इसलिए इसे हम पंचम वेद भी कहते हैं। यानी भरत मुनि ने नाटक को पंचम वेद, तो नाटक को मतलब नाट्य शास्त्र को, ठीक है, इसको नाट्य शास्त्र कहिए। नाट्य शास्त्र किस पर आधारित है, नाटक पर आधारित है, इसलिए प्रश्न फंसाने के लिए आपको नाटक दे दिया गया है, आपको नाट्य शास्त्र, नाटक चूंकि नाट्य शास्त्र नाटक पर आधारित है, इसलिए ऐसा कभी हो सकता है, पूछा जा सकता है, तो आपको चाहे वह नाट्य शास्त्र पूछें चाहे नाटक को पूछें, आपको पंचम वेद भरत मुनि ने कहा है, तो नाट्य शास्त्र को भरत मुनि ने पंचम वेद के नाम से भी पुकारा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 कहते हैं, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादर्श निष्पत्ति सूत्र किस आचार्य का है। कहते हैं विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादर्श निष्पत्ति, यानी कहते हैं इसका विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से किस रस की निष्पत्ति होती है, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। तो विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती, किस रस की नहीं बल्कि रस की निष्पत्ति होती है, इस सूत्र किस आचार्य ने दिया है, ये सूत्र किसने दिया है। विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव के जब मिलन होता है तो रसों की निष्पत्ति होती है, ये सूत्र किसका है, तो ये सूत्र बहुत बार पूछा गया है और ये है भरत मुनि का होता है। ये भी यहाँ क्वेश्चंस पूछा जाता है कि भरत मुनि ने अपने रस सूत्र में किसका उल्लेख नहीं किया है, तो स्थायी भाव का उल्लेख नहीं किया है, तो यहाँ इसका उत्तर क्या हो जाएगा, भरत मुनि हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है 19 नंबर का क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन ये कहते हैं, री है, यानी री इसमें क्या है, जो रीश्वर है वो क्या है, अर्धस्वर है, मूर्धन्य स्वर है, दंत स्वर है, या तालव्य स्वर है, क्या है। तो आपको जानते हैं एक संस्कृत का जो सूत्र है, ऋटुरषाणाम मूर्धन्य, यानी री जो होते हैं ये क्या है, मूर्धन्य स्वर होते हैं, यानी मूर्धा भाग से बोले जाने के कारण इसे हम मूर्धन्य स्वर के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 20 कहते हैं, 20 नंबर का क्वेश्चन कहता है, लाज नावत आपको दौरे याय हुषाद पक्ति का संबंध किससे है। बहुत ही अच्छा ये पंक्ति है, जानकारी के लिए भी है और आपसे पूछा भी जा सकता है। लाज नावत आपको दौरे आयुषाथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहूं हे नाथ, अस्थि चर्म मम देह में तामे ऐसी प्रीत, ऐसी जो श्री राम में हो तन तौ गोवीत। यानी कि ये गोस्वामी तुलसीदास के ऊपर है, उनकी पत्नी जो है रत्नावली ने जब धिक्कारा है कि जब ये चले गए हैं अपने ससुराल, और वहाँ पर जब ये पहुँचते हैं तो पत्नी इनको देखती है कि अभी हम छोड़ करके आए हैं और इतनी आसक्ति लगा लिए हैं कि रात में भी हमारे पीछे पीछे चले आए हैं, और वहीं पे वह इनको रात में ही कहती है, लाज नावत आपको दौरे आयो शाह,
धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ हे नाथ, यानी हे नाथ मैं ऐसे प्रेम को क्या कहूँ। यह जो अस्थि चर्मम देह में, यानी जो यह हाड़ मांस के बने हुआ शरीर है, इस पर इतनी आसक्ति आपको आ गई। अगर ऐसी ऐसी ही आसक्ति अगर श्री राम में लगाते तो आपकी नैया पार हो जाती। ऐसा बताया जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास वहीं से निकल पड़ते हैं, और यह तुलसीदास कितनी रचनाएं कर ले जाते हैं जिसमें रामचरितमानस आपको पता ही है। तो यह आपके गोस्वामी तुलसीदास जी से यह संबंधित पंक्ति है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चंस नंबर 21। 21 नंबर क्वेश्चंस कहते हैं, अन्यान्य का संधि विच्छेद है, अन्यान्य है, अन्य धन अन्य क्या होता है, अन्यान्य होता है, यानी अन्य की अन्य से भी अन्य, उसे हम अन्यान्य कहते हैं। तो अन्य धन अन्य ये दीर्घ स्वर संधि है, मिलकर के दीर्घ स्वर संधि का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, तो इसे हम अन्यान्य कहते हैं। चलिए यानी इसका उत्तर क्या हो जाते हैं, बी हो जाता है। अगले प्रश्न पर हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहते हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं। आप ये जानते हैं कि समास कितने प्रकार के होते हैं, समास 6 प्रकार के होते हैं। जब भी ये पूछा जाए समास कितने प्रकार के होते हैं तो आपको 6 प्रकार लगाना है। जब पूछा जाए मुख्य रूप से समास कितने प्रकार के होते हैं, यानी मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, या प्रमुख रूप से समास कितने प्रकार के होते हैं, तब आपको बताना है 4 प्रकार के होते हैं। तो आपको समास कितने प्रकार के होते हैं ये पूछा गया है, अतः उत्तर आपका डी हो जाएगा, यानी 6 प्रकार के समास होते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधार समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास, यही आपके 6 समास होते हैं, जिसमें कर्मधारय और द्विग जो है ये गौण समास है, यानी तत्पुरुष का भी भेद माना जाता है, तब जो 4 बचते हैं वही प्रमुख समास हो जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुन चलत रेणु तन मंडित मुख लेप किए, इन पंक्तियों में कौन सा रस है। आप जानते हैं वात्सल्य के सम्राट सूरदास जी हैं, और शोभित कर नवनीत लिए, यानी अपने हाथों में नवनीत यानी मक्खन लेकर के जब चलते हैं कृष्ण भगवान, घुटरुन चलत रेणु तन मंडित मुग्धत लेप किए, शोभित कर नवनीत लिए, यानी जब वह चलते हैं तो बड़ा ही शोभायमान होता है, बड़ा ही अच्छा लगता है, ऐसा वात्सल्य रस यानी उनको देख करके वत्सल प्रेम जागता है, पुत्रवत स्नेह होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, वात्सल्य रस हो जाता है। माता और पुत्र का लगाव या पिता पुत्र का प्रेम ही वात्सल्य रस कहलाता है, यानी उसमें वत्सल का प्रेम होता है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। 24 नंबर कहता है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं, आपको बताना है। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं, वाक्य देखिए 2 प्रकार के, वाक्य के कितने भेद होते हैं, 2 प्रकार के वाक्य होते हैं, एक होता है रचना के आधार पर वाक्य और एक होता है अर्थ के आधार पर वाक्य। तो अर्थ रचना के आधार पर वाक्य को 3 भागों में, अर्थ के आधार पर वाक्य को 8 भागों में विभाजित किया गया है, अतः इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चंस नंबर 25 क्या कहते हैं, चिकना घड़ा होना का क्या तात्पर्य है। चिकना घड़ा होना एक मुहावरा है और इसमें बताना है कि इसका क्या तात्पर्य है। तो चिकना घड़ा होना, चिकना होना नहीं, समृद्ध होना नहीं, निर्लज्ज होना या भयभीत होना, तो इसमें क्या होता है, निर्लज्ज होना, यानी बिना लाज का होना, चिकना घड़ा होना, यानी कुछ भी
चिकना घड़ा होना उस पर डालेंगे तुरंत फिसल जाएगा, यानी कुछ भी एकदम निर्लज है, कुछ भी कहिए उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो उसी को हम चिकना घड़ा होना मुहावरे के रूप में कह देते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है? तो वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है, उत्साह होता है। ठीक है, वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है, उत्साह होता है। और अस्थाई भाव यानी नौ आपके अस्थाई भाव, नौ रस होते हैं और नौ के अस्थाई भाव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पर हम आते हैं। 27 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, यानी चार विकल्प आपके सामने दिया गया है और इसमें बताना है कि कौन सा सही शब्द है। सन्यासी, सन्यासी, सन्यासी और सन्यासी, इसमें क्या सही है? तो इसमें जो है ये देखिए सन्यासी है इसलिए गलत होगा, ये तो आपके गलत हो ही जाएंगे। तो क्या होते हैं, सन्यासी, आप बोलते हैं सन्यासी, यानी डबल न की प्रोनंसिएशन आती है, इसलिए आपके क्या उत्तर सही, ए हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, आचार शब्द का विलोम क्या होता है? आचार मतलब आपके नियम कानून जो होते हैं, वह आचार होते हैं जिस पर आप चलते हैं। आचार का विलोम क्या होता है, अनाचार होता है, इसलिए ये क्या सही हो जाएंगे, जो आचार से युक्त न हो वो अनाचार, ये अनाचार है इसलिए नहीं होगा, अतः उत्तर इसका क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। 29 नंबर का प्रश्न कहता है, पंचवटी शब्द में प्रयुक्त समास का नाम बताइए। आपको पंचवटी शब्द में प्रयुक्त समास का नाम बताइए, पंचवटी में कौन सा समास होगा तो आपको बताना है। तो पंचवटी में आपके द्विगु समास होते हैं, कौन से समास होते हैं, द्विगु समास होते हैं पंचवटी में, और 29 का उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। पंचानाम बटानाम समाहारा को ही हम क्या कहते हैं, पंचवटी कहते हैं। और आज का ये लास्ट क्वेश्चंस आपके, और इसमें पूछा गया है अकाल पीड़ित में समास होगा, यानी आपको बताना है कि अकाल पीड़ित में कौन सा समास होगा। तो आप इसमें जानते हैं ये अकाल से पीड़ित होता है वही क्या होता है, तत्पुरुष समास हो जाता है, यानी तत्पुरुष समास में आपके क्या आते हैं, कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, अतः यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। आज की श्रृंखला में मैंने आपसे 30 प्रश्न लिया और इस 30 प्रश्नों को हमने कुछ व्याख्या के रूप में हमने आपसे बातें की। आशा ये है कि आपको आज का ये सेशन जो है ये पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो ठीक है, पुनः हमारी मुलाकात आपसे होगी, तब तक के लिए ईश्वर करें कि आप लोग एकदम प्रसन्न रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और स्वस्थ रहें। तब तक इजाज़त दीजिए मुझे और पुनः हमारी मुलाकात होगी। धन्यवाद, जय हिंद।